गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने क्लास फोर्थ के इंग्लिश लैंग्वेज का लेसन नंबर 3, जो कि लेसन नेम है किंग शिवी एंड द टू बर्ड्स, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग कुछ रीडिंग उस दिन हम लोग लगाए थे, आज उससे आगे हम लोग रीडिंग लगाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, कल पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था के किंग शिवी एक दुनिया भर में और यहाँ तक के इंद्रलोक में, मतलब स्वर्ग में भी उनका नाम था अपनी काइंडनेस और गुड गवर्नेंस के लिए। उनकी उन्होंने ये चीज श्योर किया था कि उनके राज्य में हर किसी को इंसाफ मिले और हर कोई शांति से रहे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके गार्डन में एक जख्मी तोता दिखा, जो कि अपने पंख को फरफरा रहा था, अपनी नाकाम कोशिश कर रहा था उड़ने की। तो बादशाह ने जब देखा तो उसे अपने हाथों में ले लिया और उस अपने साल में उसे ढक लिया। और उसके बाद कुछ ही लम्हा गुजरा कि एक बड़ा सा बाज वो पास के ही एक दीवार से उड़ता हुआ इस बादशाह शिवी के यहाँ पर आकर के रुका। शिवी को अच्छा ये रियलाइज हो गया, शिवी को समझ में आ गया कि ये जो तोता है वो क्यों जख्मी है और क्यों ये इतना डरा हुआ है। उसके बाद वो जो बाज था वो ह्यूमन वॉइस में, लोगों की आवाज में वो कहता है कि ऐ बादशाह, आप तो एक दयालु राजा के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आप मेरे साथ जो है वो जुल्म कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि आप उस तोते को बचा रहे हैं जो मेरा शिकार था। आप मेरा भोजन, मेरा जो खाना है उसे आप मुझसे छीन रहे हैं। तो इस पे राजा शिवी कहते हैं कि ऐ पक्षियों के राजा, ये जो गरीब तोता है इसे चोट लगी है और ये थका हुआ है, ये मेरे इसमें आया है, शरण में आया है कि मैं इसकी लाइफ को, इसके जीवन को बचाऊंगा। अब जिस तरह से आप भूखे रह करके मर जाना नहीं पसंद करेंगे, जिस तरह से आप भूख से मर जाना पसंद नहीं करेंगे, इसी तरह से ये छोटा सा पक्षी जो है वो चाहता है कि कोई जो है मांसाहारी पक्षी उसे, कोई जो शिकारी पक्षी जो चिड़िया है उसे न खा जाए। तो इसके बदले में आपका ये इस तोते को मैं आप नहीं खाएंगे, इसके बदले में आप जो भी खाना कहिएगा लाने को वो मैं आपको दूंगा। तो उस पर वो बाज कहता है कि फूड हर किसी का जिंदगी का फर्स्ट चॉइस है, मतलब खाना हर जीव को चाहिए। कोई भी जीव जो है, कोई भी जानदार बिना खाने के नहीं रह सकता। और अगर मैं मर गया, अगर आप मेरा खाना नहीं दीजिएगा, मैं मर गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी सही से बड़े नहीं हुए हैं, वो जो है वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, वो कैसे जिंदा रह पाएंगे। और उसके बाद आगे बाज कहता है कि अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या ये सही है कि एक जीव को बचाने के लिए आप कई जीवों को मार दीजिए। तोता ने कहा कि आगे बाज ने कहा कि आप एक तोते को बचाने के लिए मेरी पूरी फैमिली को मारने का जुल्म कर रहे हैं, क्या ये जस्टिस है। आगे हम लोग देखते हैं इससे आगे। दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फाल्कन पुट शिवी इन ए डिलेमा। ये जो क्वेश्चन था कि आप एक जीव को बचाने के लिए कई जीवों को मार देंगे, क्या ये सही है, तो उस पर जो किंग शिवी जो थे वो कुछ देर के लिए चिंता में पड़ गए। कि अब हम क्या करें, इसका भी सही कहना सही है,
हम इसको भी बचा सकते हैं, बचाना जरूरी है, पिजन को भी, और इसका भी पूरी फैमिली दाव पे लगी हुई है, तो आखिर क्या किया जाए? ये बादशाह से भी सोचने लगे। ही थॉट फॉर ए वाइल एंड सेड, कुछ देर उन्होंने सोचा और कहा, इट इज वन सुप्रीम ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट सम वन इन डेंजर, ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम किसी को जो खतरे में है उसको बचाएं। ए किंग कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी, एक बादशाह अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकता, इवन इफ एवरी वन एल्स डज, के हर कोई ऐसा ही करते हैं। आई कैन गिव यू माई होल किंगडम इफ यू प्रोमाइज नॉट टू हार्म दिस पिजन। देखिए, बादशाह सीवी को जब बाज ने कहा कि एक पिजन को, एक तोते को बचाने के लिए आप मेरी पूरी फैमिली को दांव पर लगा रहे हैं, तो इस पर बादशाह शिव कुछ देर सोचा और उसके बाद उसने कहा कि ये मेरा सुप्रीम, सबसे ज्यादा जरूरी कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम कोई चीज अगर डेंजर में हो, खतरे में हो, तो उसको बचाए, और मैं अपने इस ड्यूटी से भाग नहीं सकता कि हर कोई ऐसा करेगा, चाहे हर कोई ऐसा ही करे। मैं आपको अपनी पूरी सत्ता, मैं अपना पूरा राज्य अगर दे दूंगा, अगर आप वादा करें कि इस तोते को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बादशाह सीवी ने बाज से कहा, फाल्कन से कहा। दिस इज नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, परसिस्टेड द आर्गूमेंट फाल्कन। उसने फिर बाज ने कहा कि ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, उसने तर्क दिया फाल्कन ने। आई एम ए कार्निवोरस बर्ड, मैं जो हूँ एक मांसाहारी चिड़ी पक्षी हूँ, मैं गोश्त खाने वाला पक्षी हूँ। टू गिव मी फूड यू विल एनी वे हैव टू किल अनोदर क्रिएचर, मुझे खाना देने के लिए आप किसी दूसरे जीव को मारेंगे। डज इट देन मेक एनी डिफरेंस, तब क्या डिफरेंस हुआ? आप यहाँ एक जीव को बचा रहे हैं, दूसरी जगह आप एक जीव को मारेंगे, तो क्या फर्क हुआ? कंसीडर दिस सॉल्यूशन, आगे कहता है फाल्कन कि इस सॉल्यूशन पर विचार कीजिए। प्लीज गिव मी सम फ्लेश फ्रॉम योर बॉडी, अब वो ये कहता है कि आप कुछ गोश्त अपने बॉडी का दे दीजिए, अपने शरीर का दे दीजिए, इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन, कितना, जितना कि ये इस पिजन, ये इस तोते का जितना वेट है, उतना अपने बॉडी का, अपने शरीर का गोश्त दे दीजिए। हाउ वेल दिस फाल्कन अर्गूज, थॉट सीबी, तो राजस सीबी सोचा कि कितना अच्छा तर्क है फाल्कन का। इट हैज एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये सही सेंस है, ये सही समझ है, राइट सही और गलत का। आगे है, शिवी एट वंस ऑर्डर्ड ए बैलेंस टू बी ब्रॉट, अचानक शिवी ने हुक्म दिया, ऑर्डर किया कि तराजू लाया जाए। इन वन ऑफ इट्स डिशेज ही प्लेस्ड द पिजर, इसके एक तरफ तोते को रखा गया। ही देन कट ए चंक ऑफ फ्लेश फ्रॉम हिज थाई विद ए सोर्ड एंड पुट इट इन द अदर डिश, और तुरंत ही वो एक गोश्त का टुकड़ा अपनी जांग से काट करके, तलवार से अपनी जांग से गोश्त का टुकड़ा काट के उसे दूसरी तरफ पलड़े में रख लिया। द पिजन्स डिश हंग लो, पिजन का जो पलड़ा था अभी भी नीचे था। शिवी नाउ कट ए लार्जर चंक ऑफ फ्लैश एंड प्लेस्ड इन द डिश, अब शिवी ने एक बड़ा टुकड़ा, गोश्त का बड़ा टुकड़ा काटा और उसे इस पलड़े में डाल दिया। द पिजन स्टिल आउट वेड द फ्लैश, अभी भी, फिर भी पिजन तोते वाला पलड़ा जो था वो ज्यादा था, उसका वजन ज्यादा ही था। शिवी केप्ट कार्विंग हिज बॉडी अंटिल देयर वार बेयरली एंड फ्लेश लेफ्ट अराउंड हिज बोन्स, और शिवी उस वक्त तक ये करते रहे जब तक कि उसके उसकी हड्डी,
हड्डियां सिर्फ बच गए, उसके गोश्त हड्डियां गोश्त से खाली हो गए। द बैलेंस वॉज स्टिल हेवियर ऑन द पिजन साइड, अभी भी जो तराजू था उसका पलरा, पिजन वाला पलरा, तोते के साइड वाला पलरा भारी था। फाइनली शी बी हिमसेल्फ माउंटेड द डिश होपिंग टू इक्वल द वेट ऑफ द बर्ड, आखिरकार शिवी ने अपने आप को उस सौंप दिया बर्ड के वजन के बराबर लाने के लिए, अपने आप को भी उसके सामने कर दिया। सडनली डिवाइन म्यूजिक फिल्ड द एयर एंड द हेवेंस शोड फ्लावर ऑन शिवी, अचानक स्वर्ग से और इस जो गॉड से रिलेटेड जो म्यूजिक होता है वो हवा में बजने लगा। अचानक क्या हुआ, गॉड से रिलेटेड जो म्यूजिक होता है वो हवा में फैल गया और स्वर्ग से शिवी पर फूलों की बारिश होने लगी। द फाल्कन एंड द पिजन डिसअपीयर्ड एंड इन देयर प्लेसेस स्टूड इंद्र द किंग ऑफ गॉड्स एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर, और जहाँ पर उसने बाज और तोता को देखा था वो गायब हो गया और उसकी जगह इंद्र जो कि बाज से गॉड का बादशाह कहा जाता है और अग्नि जो कि आग का गॉड कहा जाता है वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे। इंद्र सेड शिवी अग्नि एंड आई केम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू, इंद्र कहते हैं कि शिवी मैं और अग्नि हम दोनों स्वर्ग से यहाँ आए थे तुम्हें जांचने के लिए। यू हैव प्रूव दैट यू आर फार ग्रेटर देन पीपल थिंक, और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम उससे भी ज्यादा महान हो जितना कि लोग सोचते हैं। यू विल हैव ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, तुम अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ, तुम्हारी लाइफ खुशी भरी होगी। And you will always be remembered by mankind, और तुम हमेशा लोगों के जरिए याद किए जाओगे, लोग हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। शिवी's wants disappeared as soon as these words were spoken, और शिवी का जो जख्म था वो गायब हो गया, ये वर्ड जैसे ही बोला गया शिवी का जख्म खत्म हो गया। He closed his eyes in humble prayer as the gods vanished, और उसने शिवी ने अपनी आंखें श्रद्धा से बंद कर ली, बहुत विनम्रता पूर्वक वो जो है प्रार्थना करने लगा और जो गॉड थे वो गायब हो गए। तो ये आपका लेसन नंबर 3 का रीडिंग था। एक बार मैं फिर से रीडिंग लगाता हूँ आज जितना पढ़ाया गया उसको। देखिए, दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फाल्कन पुट शिवी इन ए डिलेमा। ही थॉट फॉर ए वाइल एंड सेड इट इज वन सुप्रीम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट समवन इन डेंजर। ए किंग कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज इवन इफ एवरीवन एल्स डज। आई कैन गिव यू माई होल किंगडम इफ यू प्रोमाइज नॉट टू हार्म दिस पिजन। दिस इज नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, persisted the argumentative falcon. I'm a carnivorous bird. To give me food, you will anyway have to kill another creature. Does it then make any difference? Consider this solution. Please give me some flesh from your body equal to the weight of this pigeon. How well this falcon argues, thought Shivi. It has an accurate sense of right and wrong. Shivi at once ordered a balance to be brought. In one of its dishes, he placed the pigeon. He then cut a chunk of flesh from his thigh with a sword and put it in the other dish. The pigeon's dish hung low. Shibi now cut a larger chunk of flesh and placed in the dish. The pigeon still outweighed the flesh. Shibi kept carving his
बॉडी अंटिल देयर वॉज बेयरली एंड फ्लेश लेफ्ट अराउंड हिज बोन्स. द बैलेंस वॉज स्टिल हेवियर ऑन द पिजन साइड. Finally, Shivi himself mounted the dish, hoping to equal the weight of the bird. Suddenly, divine music filled the air and the heavens showered flowers on Shivi. The falcon and the pigeon disappeared, and in their places stood Indra, the king of God, and Agni, the god of fire. Indra said, Shivi, Agni and I came down from the heaven to test you. You have proved that you are far greater than people think. You will have a life full of happiness and you will always be remembered by mankind. Shivi's wands have disappeared as soon as these words were spoken. He closed his eyes in humble prayer as the gods vanished. तो आज के क्लास में हम लोग ये लेसन नंबर 3 का जो कि विवास रियल इंग्लिश है उसका क्लास 4 का रीडिंग लगाएं. कल की क्लास में हम इससे आगे बनाएंगे. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.